आपने स्ट्रक्चर के ऊपर डाल दिया है तो तब आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका उसमें क्रैकिंग आ जाएगी। उसके बाद जैसे ये आपका कॉलम है, उसके बाद एक तो होता है, मतलब यहाँ आपने लोड डाल रखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड लोड, ठीक है। और एक आपने क्या है, मतलब कोने से थोड़ा हटके, मतलब सेंटर के अलावा कहीं भी आपने लोड डाल रखा है तो उसको इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। तो वो आपने कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के डालना पड़ता है, एक साइड में ज़्यादा लोड लग गया, एक साइड में कुछ नहीं है, मान लो इस कोने पे लगा दिया, तो उसकी वजह से भी क्या आता है, क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कोरेजन की प्रॉब्लम आएगी रेनफोर्समेंट में, ये तो पता ही है सबको कि किस वजह से होती है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर का, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो आपका रेनफोर्स सरिया आपने यूज़ किया उसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद श्रिंकेज, श्रिंकेज मान लो आपने जो उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट यूज़ किया है, टाइम के साथ तेज मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे, धूप वगैरह ज़्यादा रहती है, तेज़ रहती है, तो वो क्या करेगा आपका मॉइस्चर को सोख, मतलब वो कर देगा, रिमूव कर देगा। वो मॉइस्चर रिमूव होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर कॉलम जो है वो क्या श्रिंक करेगा, और श्रिंकेज की वजह से क्या होगा, क्रैकिंग आएगी उसके अंदर। उसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेस, इस टेम्परेचर में कभी आपका कम वेटिंग और ड्राइंग वाला प्रोसेस जो है, कभी आपको मॉइस्चर आ रहा है उसमें, और मतलब मॉइस्चर था पहले, उसके बाद मॉइस्चर वहाँ से हट गया, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उससे भी क्या होगा, क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है बकलिंग, बकलिंग क्या होता है, आपका ये जो कॉलम है वो क्या हो जाता है, आपका बेंड हो जाता है, मतलब ऐसे मुड़ जाएगा। तो जब आपका बकलिंग की प्रॉब्लम आती है वो किस किस वजह से आएगी, पहला क्या है, इनएडिक्वेट डिजाइनिंग, मतलब जो डाया है, जो रेशियो है इफेक्टिव लेंथ और उसका विड्थ का, जो आपने कॉलम बनाया है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम होते हैं कि जब लेंथ और विड्थ का रेशियो 12 से कम होता है तो आपका शॉर्ट कॉलम में आएगा, और अगर आपका 12 से ज़्यादा होगा लेंथ और विड्थ का रेशियो तो वो लॉन्ग कॉलम में आएगा। और यहाँ पे आपका बकलिंग वाली जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर आपका जो शॉर्ट कॉलम होता है उसमें क्रशिंग की प्रॉब्लम आती है, मतलब क्रश हो जाता है वो आपका, और जो लॉन्ग कॉलम होता है उसमें जो आपका बकलिंग वाली प्रॉब्लम आती है। तो पहला क्या है, इनएडिक्वेट, मतलब आपने लंबाई इतनी कर दी है और उसकी चौड़ाई कम है तो क्या होगा, उसमें बकलिंग आ जाएगी। उसके बाद एक्सेसिव स्लेंडरनेस रेशियो, वही स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लेंथ और विड्थ का रेशियो, या लेंथ और डाया जो आपने रखी, इफेक्टिव लेंथ का रेशियो जो है वो अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, आपका बकलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद एक्सेसिव बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग मतलब उसके ऊपर जब आप लोड ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा बेंडिंग होगी तो वो बक्कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिक लोडिंग, वही ऊपर बता दिया मैंने, पॉइंट किसी एक पॉइंट पर लोड डाल दो तब भी आपकी बकलिंग वाली प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है क्रशिंग ऑफ कॉलम, ठीक है, क्रशिंग ऑफ कॉलम क्या होता है कि क्रश हो जाना, वो आपका टूट जाना, ठीक है, वो किस वजह से होगा, एक्सेसिव लोडिंग की वजह से होगा, बियॉन्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। ऊपर आपका ये कॉलम आपका बना हुआ है तो ऊपर से प्रेस करेंगे, जब लोड आएगा तो ऊपर ही आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कम है तो वो लोड को बियर नहीं कर पाएगी, और आपका लोड क्या हो जाएगा, जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कॉलम है, वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको क्योंकि बड़े वाले कॉलम में ही ऐसे मुड़ेगा वो, ठीक है, छोटे वाले कॉलम में क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसको क्रशिंग बोलते हैं। तो ज़्यादा लोडिंग की वजह से क्या होता है, उसके बाद स्पालिंग, ठीक है, स्पालिंग जो आपका मैंने बताया था ब्रिक में से होती थी, जो आपका रेड कलर का पाउडर निकलने लग जाता था उसमें, इसी तरह से
जो आपका इसके अंदर भी क्या होता है, जब स्वालिंग की प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो आपका प्लास्टर है वो टूटने लग जाएगा, ऐसे जैसे चूरा बन के निकलने लग जाएगा आपका, जैसे वो ब्रिक में निकल रहा था ऐसे ही आपका प्लास्टर में भी प्रॉब्लम होगी, तो पहला आपका क्या होगा, उसकी वजह से जंग लग जाएगा कॉलम में। दूसरा क्या होगा आपका, अनसफिशेंट कवर, मतलब अगर प्रोवाइड नहीं कर रखा तो भी आपका क्या है, स्पालिंग वाली प्रॉब्लम आएगी, आपने कवर पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं प्रोवाइड किया। उसके बाद थर्ड जो है कार्बोनेशन एंड क्लोराइड अटैक। अब कार्बोनेशन क्या होता है आपका, मैंने पहले भी बताई हुई है ये टर्म, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होता है, पेंट्रेट कर जाती है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, और वो हाइड्रो ऑक्साइड क्या करती है, फॉर्म करती है, बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। समझ आया कि कार्बोनेशन और क्लोराइड क्या है, कि जब आपका मॉइस्चर उसके अंदर पेंट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, पेंट्रेट करेगी कंक्रीट में, वो रिएक्शन करेगी हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, जो क्या क्या किसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर आता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जिसको कार्बोनेशन बोल रहा है, उसकी वजह से क्या है आपका, श्रिंकेज होएगी, और जब श्रिंकेज होएगी तो क्या होगा, स्पालिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल चेंज, मतलब आप बाहर से कोई लोड डाल रहे हो, पहले आपने उसके ऊपर कोई प्रेशर अगर मान लो लग रहा है कॉलम के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका कॉलम खराब हो जाएगा। तो बाहर से अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, तो तब भी आपका क्या होगा, स्वालिंग की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफेक्टिव लिफ्ट ज्वाइंट एंड ज्वाइंट फेलियर। लिफ्ट ज्वाइंट कौन से होते हैं, जैसे मान लो आप कॉलम बना रहे हो तो किसके अंदर भरोगे, आप फॉर्म वर्क जो लगा रखा है आपने उसके अंदर भरोगे तब कॉलम बनता है। एक मिनट, जैसे आप ये कॉलम बना रहे हो, कॉलम के अंदर क्या कर रहे हो, आप फिलिंग कर रहे हो, मान लो आपने एक बार में इतना भर दिया, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भरोगे, तो ये बीच में अगर मान लो दूसरे वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है, अच्छे से आपने कंपैक्शन नहीं करी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव लिफ्ट ज्वाइंट बोलते हैं। मतलब जो ज्वाइंट लिफ्ट आपने ऊपर से डालनी थी, मतलब जो कंपैक्शन करनी थी प्रॉपर तरीके से नहीं करी, तो क्या हो जाएगा, वो किस किस वजह से होगा, ये ज्वाइंट किस किस वजह से रहेंगे, इनएडिक्वेट डिजाइनिंग, आपने डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं की और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं किया आपने। उसके बाद आपका क्या है, पुअर वर्कमैनशिप, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वही कंपैक्शन करेगा, वही क्यूरिंग करेगा, वही ज्वाइंट है जो उसको फिलिंग करेगा, तो वो सही तरीके से नहीं करेगा तो उसके अंदर जो है ज्वाइंट फेलियर हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है श्रिंकेज, श्रिंकेज अगर कॉलम के अंदर हो जाएगी तो जो ज्वाइंट है वो मतलब वो क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिव बीम रिएक्शन एंड शियर। ठीक है, इसके अंदर कॉलम लगा रखे हैं, उसके ऊपर क्या आएगा, आपका बीम आएगा। ठीक है, इनके बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है बीम के और इसके, जब दो ऐसे इधर वाला पोर्शन और इधर वाला करते हैं, उसको शीयर बोलते हैं। तो ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा रिएक्शन है आपस में, रगड़ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइंट जो है वो फेल हो जाएंगे। उसके बाद लेटरल फिजिकल इंपैक्ट, मतलब साइड से, यहाँ साइड से अगर इसके ऊपर इफेक्ट लग रहा है, फिजिकल मतलब बाहर से लोड डाल रहे हैं, ठीक है, वो वाला इफेक्ट पड़ रहा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जो ज्वाइंट हैं कॉलम के वो क्या हो जाएंगे, आपके फेल हो जाएंगी। क्लियर है ये वाली चीज़, कॉलम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक बार फिर से मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। कुछ बच्चे लेट आए हैं,
अब कॉलम में क्या क्रैक, कौन कौन सी क्रैकिंग आएगी, मतलब कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे। पहला क्रैकिंग आएगा, क्रैकिंग किस वजह से आ रहा है, ज़्यादा लोड डाल दिया आपने या इसेंट्रिक लोड डाल दिया। इसेंट्रिक मतलब एक तो होता है सेंटर में लोड डल रहा है, एक कॉलम के किसी कोने पे डाल रखा है, ठीक है, तो कोने से हट के कहीं भी डाल रखा है या सेंटर से हट के कहीं भी डाल रखा है, उसको सेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। तो क्रैकिंग सेंट्रिक लोडिंग की वजह से आएगी, जंग लग जाएगा जब तब आएगी, और उसके बाद श्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा आपका कॉलम, तब भी क्रैकिंग आएगी। टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग आएगी। उसके बाद बक्कल मतलब आपका कॉलम जो है वो मुड़ गया है, झुक गया है, तो किस वजह से होगा, डिज़ाइनिंग सही तरीके से नहीं की, जो कॉलम की लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो सही नहीं है। उसके बाद एक्सेसिव बेंडिंग, जो बेंड हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है ऊपर, उसके ऊपर जब बीम डालेंगे या लोड डालेंगे तो क्या बेंडिंग आएगी, वो ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी बकलिंग आ जाएगी। इसेंट्रिक लोडिंग, जो एक साइड में लोड डालेंगे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद क्रशिंग क्या होता है कि छोटा जो कॉलम होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसको क्रशिंग बोलते हैं। वो किस वजह से आएगा कि उसकी जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जितना उसको दबा सकते हैं उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम आपका क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद स्पालिंग है, मतलब आपका जो प्लास्टर है या कंक्रीट है वो क्या होता है, चूरा बन के निकलने लग जाता है। तो आपके कॉलम जो है उस पर अगर मान लो प्लास्टर है या फिर कंक्रीट है वो चूरा बन के निकल रहा है तो उसको स्पालिंग बोलेंगे। वो किस किस वजह से होगा आपका, कि आपने रेनफोर्स के ऊपर, सॉरी आपका रेनफोर्स के ऊपर सफिशेंट कवर नहीं है, या फिर आपके रेनफोर्स में जंग लग गया है। कार्बोनेशन मैंने बताया कि जब उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पेंट्रेट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे क्या होती है, श्रिंकेज होती है। फिजिकल डैमेज में मतलब लोड साइड से डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, मतलब बना हुआ है वो स्ट्रक्चर का, खुद के लोड के अलावा कोई और प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है साइड से या ऊपर से कहीं से भी, तो उसको फिजिकल डैम, फिजिकल लोड बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा जो ऊपर वाली सरफेस है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद कि जॉइंट डिफेक्ट हो गए हैं, जो बनाया था आपने कॉलम, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि एक बार में पूरा मसाला भर दोगे कॉलम को बनाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भरा आपने, फिर उसके बाद दोबारा जितना मसाला आपने तैयार किया वो भरोगे आप, तो बीच में ज्वाइंट तो बनेंगे। अगर वो ज्वाइंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, डिजाइनिंग सही नहीं की आपने, बनाते टाइम सही नहीं बनाया, पुअर वर्कमैनशिप है, या श्रिंकेज हो गई आपका स्ट्रक्चर, सिकुड़ रहा है। उसके बाद बीम और कॉलम के बीच में रिएक्शन ज्यादा है तो उस वजह से भी आपके ज्वाइंट क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। उसके बाद लेटरल इम्पैक्ट, मतलब बाहर से फिजिकली आप उसके ऊपर, बाहर से क्या है, लोड लगा रहे हो उसके ऊपर, साइड में आपको क्या है, लोड लग रहा है ज़्यादा, तो भी आपका बीम जो जॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बीम कॉलम में, हमने कौन कौन से पढ़ लिए, फाउंडेशन में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, उसके बाद फाउंडेशन के बाद आता है आपका बेसमेंट, वो पढ़ लिया हमने कि बेसमेंट में किस किस वजह से डिफेक्ट आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डीपीसी में किस किस वजह से डिफेक्ट आते हैं। उसके बाद है दीवारें बनेगी, तो हमने वॉल्स के अंदर क्या क्या, दीवार में भी दो टाइप की दीवारें हो गई, एक तो आपका मेन बाउंड्री, जो आपका मेन वॉल हो गई, लोड बेयरिंग वॉल बोलते हैं जिनको, और एक हो गई आपकी नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है, तो हो गया। उसके बाद आपका क्या है कि पैरापेट वॉल के बारे में डिस्कस किया था कि ऊपर जो छज्जा होता है उसमें भी डिफेक्ट आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, बाउंड्री वॉल में अगर डिफेक्ट आ रहे हैं वो किस वजह से आते हैं। उसके बाद हमने कॉलम में डिस्कस किया कि कॉलम में किस किस वजह से डिफेक्ट आते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बीम, तो बीम में मेन जो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी। अब डिफ्लेक्शन पता होगा तुम्हें, ऐसा में तुमने पढ़ा होगा, मान लो ये आपका बीम बना हुआ है, ऐसे ही होता है बीम, ये आपका मान लो इधर सपोर्ट लगी होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, तो क्या होगा इसके ऊपर एक्सेसिव लोडिंग लगेगी, ठीक है, तो क्या आपका ये बीम क्या हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, तो इसको डिफ्लेक्शन